अच्छा जी, आज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली वो विल स्मिथ के वर्क एथिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। वैसे मैं ये बताऊँ कि मेरा इन पे ऊपर ध्यान क्यों गया, जितने भी हॉलीवुड स्टार थे उनके अंदर, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, पसंद क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस शख्स की जो मैंटेलिटी है वो एलीट मैंटेलिटी है। एलीट मैंटेलिटी कैसे है, इसकी एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो आप देखिएगा 1995 के अंदर इनकी पहली फिल्म आई थी बैड बॉय, और उसी का थर्ड पार्ट आया था 2020 के अंदर, यानी 25 साल बाद। और आप देखेंगे 25 साल तक पूरी हॉलीवुड हिस्ट्री के अंदर ये जो शख्स है ना, ये ए लिस्टर बना रहा। ए लिस्टर से मुराद ये है कि ये टॉप पर रहा। जैसे आप समझें कि बॉलीवुड के अंदर अगर अक्षय कुमार ऐसा इंसान है ना, जिसने हर किस्म का रोल निभाया है, हर किस्म का रोल किया है, तो हॉलीवुड के अंदर वो शख्स विल स्मिथ है, जिसने हर किस्म का रोल किया भी है और वो ए लिस्टर भी बना रहा है सालों तक। अच्छा, अब ये क्यों बना रहा है? बिकॉज ऑफ अपने वर्क एथिक। अब वर्क एथिक क्या चीज़ है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। वर्क एथिक जो होता है वो टाइम टेबल नहीं है या हार्ड वर्क नहीं है। बेसिकली वर्क एथिक से मुराद है, वर्क मतलब वो एक्टिविटी जो आप करते हो जिस्मानी या मेंटली, यानी फिजिकली या मेंटली जो एक्टिविटी आप करते हो, और एथिक्स से मुराद वो मॉरल प्रिंसिपल्स जिनकी बुनियाद पर जाकर आप ये एक्टिविटीज़ करते हो। मसलन इसमें मैं आपको बताऊंगा विल स्मिथ के वर्क एथिक्स, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के उसके वर्क एथिक हैं। वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि वर्क एथिक्स से मुराद ये होता है प्रिंसिपल नीड फॉर वर्किंग हार्ड, यानी वो बुनियादी असूल जिनकी बुनियाद पे कोई भी शख्स मेहनत करता है। और ये कहाँ झलकते हैं वर्क एथिक, याद रखिएगा, हमेशा लोगों के बिहेवियर्स में झलकता है। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई काम होना चाहिए, छोटे मोटे झूठ से जो है ना कुछ नहीं होता। और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं भाई, जो बात कही है वो लाजमी पूरी होनी चाहिए, जो ज़बान दी है उस पर मैं पूरा उतरूंगा। क्यों? क्योंकि इनके वर्क एथिक्स है, बेसिकली उनके बिलीफ सिस्टम है जो उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली वर्क एथिक बनते हैं सेल्फ बिलीफ से। जैसा एक इंसान को खुद पे यकीन होता है, उस तरीके की वो सोच रखता है, तो सेल्फ बिलीफ से बनते हैं वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स झलकते हैं बिहेवियर्स के अंदर, और यही वे वो चीज़ जो कि आपके गोल्स को कंप्लीट करती हैं। तो वर्क एथिक जो विल स्मिथ के, वो बड़े ही कमाल के, मैं आपको बताता जाता हूँ, और आप देखिएगा कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, मैंने इसके वर्क एथिक को इसलिए भी चूज़ किया कि याद रखिएगा कि अगर किसी भी शख्स का वर्क एथिक पावरफुल होना, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी कमाल की होती है, यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी वो जी के जाता है और कामयाब ज़िंदगी। और विल स्मिथ का आप देखेंगे वर्क एथिक कितने कारामद है, कितने ज़बरदस्त हैं। पहला जो वर्क एथिक है विल स्मिथ का, वो कहता है आई विल नॉट बी आउटवर्क्ड। वो कहता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, खूबसूरत हो, और आपके पास मतलब मेरे से ज़्यादा पैसा है, हर एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पे चढ़ के दौड़ोगे, रेस लगाओगे, तो दो में से कोई एक काम होगा, या तो आप पहले हारोगे, या दूसरी बात ये कि मैं मर जाऊंगा। यानी मैं अपने सपनों के लिए, वो कहता है, जान निकलने तक काम करने को तैयार हूँ। ये देखें, अब ये उसकी क्या लगती है, मतलब एक सोच नज़र आती है हमें। और इसके अंदर वो कहता है कि इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है कि मैं कोई भी काम शुरू करूँगा तो उसको करते करते या तो मैं उसको ख़त्म करूँगा या फिर करते करते खुद ख़त्म हो जाऊँगा, यानी एंड तक अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। विल स्मिथ कहता है, ये पहला उसका वर्क देखिए, और आप देखेंगे यही वजह है कि वो 25 सालों तक ए लिस्टर बना रहा, यानी टॉप पर रहा। दूसरा वर्क एथिक विल स्मिथ का बताता है कि विल स्मिथ कहता है हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन है ना, वो टैलेंट से बहुत बड़े हैं। और कहता है ये मुझे कब बात समझ आई, मुझे 9 साल की उम्र में समझ में आ गई थी। मतलब जब मैं 9 साल का था तो हमारी पूरी फैमिली चर्च जाती थी, तो जैसे हमारी ईद होती है उनकी ईस्टर होती है, तो कहता है एक ईस्टर के मौके पर ना मैंने पियानो बजाया था, और वो पियानो बहुत लोगों को पसंद आया, और ख़ासतौर पर मेरी दादी जो कि पीछे से नम हो गई थी उसकी आँखें मुझे देख करके, इस बच्चे ने 9 साल की उम्र में इतना ज़बरदस्त बजाया, वो भी इतने अरसे मेहनत करके, कहता मैंने सीखा। कहता है उसी दिन ना जब मैं 9 साल का था तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि कोई भी एक अच्छी चीज़ जो आप कमाल की करना चाहें वो कभी भी नहीं हो सकती, किसके बजाय, किसके, बहुत ही अल्ट्रा लेवल की मेहनत के बगैर। मेहनत के बगैर वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। और विल स्मिथ इसमें बताता है कि जब कभी भी मैं थक जाता हूँ और मैं कभी मेहनत से चूकना शुरू करता हूँ ना, मेहनत लगाना छोड़ता हूँ कभी भी किसी काम के अंदर, तो हमेशा मुझे वो दादी की नमी याद आती है आंखों की, मुझे समझ आती है कि जब तक मैं मेहनत नहीं लगाऊंगा तो मैं कुछ भी बड़ा अच्छा अचीव नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि जो टैलेंट है ना, टैलेंट, अगर आप सिर्फ टैलेंट के भरोसे पर रहोगे और एफर्ट नहीं करोगे और हार्ड नहीं करोगे, तो आप बहुत जल्दी पीछे रह जाओगे। क्योंकि टैलेंट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट इज इक्वल्स टू स्किल, एंड स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल्स टू अचीवमेंट। यानी कि जो स्किल पे जब एफर्ट लगेगी ना, पहले तो आप टैलेंट पे एफर्ट लगाओगे तो स्किल में कन्वर्ट होगा, फिर स्किल पे, यानी एक चीज़ आपको आती है फिर उसमें आप बेहतर जब तक नहीं होगे ना, उस पर एफर्ट नहीं लगाओगे तो अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। इस पर विल स्मिथ ने बताया कि मैंने एक मूवी की मैं तैयारी कर रहा था, और मैंने बुद्धा का एक बड़ा मशहूर और बड़ा ज़बरदस्त कोटेशन पढ़ी, जिसकी वजह से मुझे मेहनत करना आई, विल स्मिथ बताता है। और सच बताऊँ ये कोटेशन मुझे भी बड़े मज़े की लगी। वो कहता है कि गौतम बुद्ध कहता है कि काबिल और अच्छे इंसानों को रोज़ सुबह उठकर चम्मच से समंदर खाली करने की कोशिश करना पड़ती है, यानी उनको इतनी ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, जैसे समझे आपको चम्मच किसने दिया और कहा कि शाम तक मुझे ये
पूरा का पूरा समंदर आपने इस चम्मच से खाली करना है, सोचो कितनी मेहनत लगेगी। तो विल स्मिथ कहता है कि बुद्धा की इस कोट से मुझे पता चला कि मेहनत जो है ना वो काबिल इंसान के मतलब कि क्या है उसकी दोस्त है, यानी काबिल इंसान के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है, टैलेंट कोई नहीं है, टैलेंट के बगैर आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करते तो। तीसरा वर्क ये थे कि विल स्मिथ को वो कहते हैं वन ब्रिक एट अ टाइम, यानी छोटे छोटे कामों से बेसिकली बड़े काम होते हैं। वन ब्रिक एट अ टाइम का मतलब ये कहानी से जोड़ा कि बचपन में जब ये लोग इनके फादर लोग दीवार बनाते तो कहते हैं मेरे वाली साहब ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि देखो जब भी हम बड़ी दीवार बना रहे ना तो तुम ये मत सोचो कि ये दीवार कब बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी अच्छी बनेगी, तुमने बस एक काम करना है, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिक को हर 10 मिनट के अंदर अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से लगाना है। कितने बेहतर तरीके से? इतने बेहतर तरीके से कि दुनिया में इससे बेहतर तरीके से कोई भी ईंट ना लगाई जा सकती हो, हर 10 मिनट में तुमने ये काम करना है। तो कहते हैं कि ऐसे करते करते दीवार अपने आप ही बन जाती थी और हमें कोई मतलब टेंशन नहीं हुई इसके लिए, हमें कोई मतलब कि जैसे वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि अगर आप एक एक दिन को बेहतर करते जाते हो ना तो बड़ी बड़ी चीज़ें आप अचीव कर लेते हो। और इसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये होता है कि जहाँ लोग बड़े बड़े सपने देख के रुक जाते हैं वहाँ आप नहीं रुकते, क्योंकि आपने तो हर दिन को बेहतर करना है बस, जैसे हमने हर 10 मिनट में आपने एक ईंट लगानी है, दीवार तो अपने आप ही बन के खड़ी हो जाएगी। और आखिरी वर्क एथिक जो विल स्मिथ का मतलब मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, वो कहते हैं कि कुछ भी शानदार जो आप पाना चाहते हो ना वो फोकस के बगैर नहीं हो सकता, यानी एब्सोल्यूट फोकस जो है ना वो वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट्स देता है या वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देता है। वो कहता है मैं जब बचपन में था तो मैंने स्टार वॉर देखी थी उसके अंदर सिनेमा में जाके और मैं फर्स्ट सीट पे था और मैं मुंह खोले बैठा था, क्यों? क्योंकि कहता है कि मैंने देखा कि उसके अंदर उस बंदे की एक्टिंग या जो भी था हीरो वो बहुत कमाल का था, इसी वजह से वो हिट भी हुई थी। कहता है कि तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने टॉप पे बनना है, क्योंकि कहता है मैंने बचपन से सोचा था कि कुछ चीज़ों में मैंने वर्ल्ड क्लास बनना है, अगर मैंने वर्ल्ड क्लास बनना है तो मुझे एब्सोल्यूट फोकस देना पड़ेगा, यानी अपनी पूरी की पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो विल स्मिथ कहते हैं कि हर वो शख्स कामयाब हो सकता है जो कि अपने फोकस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अगर आप विल स्मिथ की पूरी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आपको चलेगा ये दो चीज़ें इस बंदे में कमाल की हैं, एक तो इसके अंदर वर्क एथिक जिसको मैं कहता हूँ कि इसके थॉट और एक्शन का कॉम्बिनेशन वो बड़ा कमाल का है, और दूसरी चीज़ ये बड़ा डीप थिंकिंग है। वो कहता है मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ मैं पढ़ता हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ मैं एक्सरसाइज लाजमी करता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ अपने काम में बेहतर हो सकूँ और एब्सोल्यूट फोकस हासिल कर सकूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया विल स्मिथ कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट फोकस के अलावा आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये तमाम के तमाम इसके वर्क एथिक्स थे और मुझे बड़े कमाल के लगे, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग की लाइफ के अंदर भी जो है ना बेहतरी लाएंगे।